आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल ज्ञान केंद्र में। यहाँ पर हम डेली का जो करंट अफेयर्स होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो 1 मई का मेरी पहली वीडियो में उसको आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे 2 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेह और नई दिल्ली के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू करी है? आपको बताना है किस कंपनी ने कार पर ईंधन हाइड्रोजन ईंधन परियोजना शुरू करी है। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक हमारा क्या है, रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, जिसका मतलब क्या है, ये हमारा पॉल्यूशन फ्री होता है। कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ये कि हाईली एक्सप्लोसिव होता है, बाकी एडवांटेज की बहुत है। एडवांटेज मतलब कि मेन तो यही है कि पॉल्यूशन फ्री होता है। तो ये हाल ही में स्टार्ट किया गया है NTPC। अब NTPC क्या होता है? NTPC क्या है? पावर जनरेशन NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन क्या करता है? पावर जनरेशन करता है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन क्या करता है? NTPC करता है। बी ऑप्शन इज SGVN एंड सी ऑप्शन है NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। डी टाटा पावर। ये सभी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती हैं। इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? NTPC। राइट आंसर इज ए, दैट इज NTPC। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में अपने 4G नेटवर्क को मजबूत करने और 5G क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के साथ 7636 करोड़ रुपए की डील की है? तो इसमें आपको बताना है किस कंपनी के साथ में डील करी गई है। वो कंपनी का नाम हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है गूगल, बी ऑप्शन है सैमसंग, सी ऑप्शन है नोकिया, डी ऑप्शन है विप्रो। तो ये राइट आंसर इसमें क्या होगा? नोकिया। तो ये डील करी गई वो किसके साथ की गई है? नोकिया। नोकिया एक क्या है? नेटवर्किंग कंपनी है, नेटवर्किंग की कंपनी भी है और एक क्या है, सेल फोन मेकर कंपनी भी है। तो ये सेल फोन भी बनाती है और ये इसका नेटवर्क भी है। तो किसके साथ करार किया सैमसंग ने? नोकिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस के चलते बहुपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द करने का फैसला किया है? ऑप्शन इज ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इज जापान। तो जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा इसका? ऑस्ट्रेलिया, दैट इज सी। तो सी ने अभी क्या किया है? कैंसिल कर दिया अपना युद्ध अभ्यास। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुमा खातून जिन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है वह किस खेल से संबंधित है? अभी हाल ही में इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। पहला ऑप्शन है कुश्ती, बी ऑप्शन है मध्यम दूरी की दौड़, सी ऑप्शन है भाला फेंक, डी ऑप्शन वॉलीबॉल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, दैट इज मध्यम दूरी की दौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? उमर अकमल क्या है? एक विकेटकीपर बल्लेबाज है और इनके जो भाई थे वो है कामरान अकमल। तो इनके क्या है, अच्छे बल्लेबाज रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि कुछ बुकी थे, बुकी जो मैच फिक्सिंग करते हैं उनकी कॉल इनके पास आई थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कॉल का रिकॉर्ड PCB को नहीं दिया, जिस वजह से इनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है और इनको 3 साल की सज़ा सुनाई गई है। कितने साल की? 3 साल की, दैट इज बी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टॉकहोल्म अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन है ए चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। तो बताना है भारत कौन सा देश बन गया है। भारत क्या? ऑप्शन बी तीसरा देश बन गया है। अभी भारत तीसरा है तो क्वेश्चन अराइज होता है कि फर्स्ट फर्स्ट क्या होगा और सेकंड क्या होगा? फर्स्ट क्या होगा? USA और सेकंड क्या होगा? चाइना। तो ये दोनों हैं जो भारत से ऊपर हैं, बाकी भारत का जो नंबर है वो कौन सा है? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार ने उन पत्रकारों को किस सरकार ने उन पत्रकारों को 50 लाख रुपए का बीमा देने की घोषणा करी है जो कि COVID-19 के दौरान रिपोर्टिंग कर रहे हैं? आप सभी जानते हैं COVID-19 को महामारी घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है, पूरे वर्ल्ड वाइड काफ़ी कंट्रीज़ में लॉकडाउन कर दिया गया, वही स्थिति इंडिया में भी है।
तो लॉकडाउन करने की वजह से क्या हो गया है, तो बहुत ही प्रॉब्लम है। जब महामारी में पत्रकार अपनी रिपोर्टिंग के लिए निकलेंगे तो उनके लिए क्या है, सरकार ने क्या किया है, बीमा 50 लाख रुपए का बीमा घोषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है पहला आसाम, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आसाम सरकार। तो ये किसने किया है, आसाम सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, आसाम, दैट इज़ ए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू करी है, ये बताना है किस राज्य में स्टार्ट करेगी। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। ये किस राज्य ने स्टार्ट करी है, आंध्र प्रदेश ने। राइट आंसर इज ए। किस आईआईटी संस्थान ने एक वेब आधारित डैशबोर्ड विकसित किया है जिसका नाम प्रकृति है। ऑप्शन ए इज आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी आईआईटी रुड़की, ऑप्शन सी आईआईटी चेन्नई, ऑप्शन डी आईआईटी नई दिल्ली। तो प्रकृति क्या ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन बी दैट इज आईआईटी रुड़की। आईआईटी की फुलफॉर्म क्या होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो क्या हो गया, रुड़की। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA की स्थापना की है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी चेन्नई। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी गांधी नगर। ये कहाँ पर है, कहाँ की कैपिटल है, ये गुजरात की कैपिटल है।